वगैरह नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और आगे अपन लोग और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे इफ यू नो दैट हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला। तो अभी ओई का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आते हैं। क्या परसेंटेजेस है एंड अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होता है, स्टॉपेजेस क्या होते हैं, कौन सा किससे कनेक्टेड है, क्योंकि उससे रिलेटेड मैच द कॉलम आते हैं। एंड अगर कोई फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आया तो यू शुड नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोग फिर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल बी एबल टू गेट इट। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को स्पेसिफिकली और कोई डाउट हो दैट केस द कमेंट बॉक्स ओपन, लेट मी नो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को सेशंस टू डू। सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ये ऐसे और वीडियोस प्लस पेपर सिक्स के लिए हेल्पफुल होगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं पेपर टू एएफएम के लिए भी सेम टेक्निक्स लेकर आ रहा हूं, सो दैट विल बी वेरी रियली हेल्पफुल टू यू। आल्सो शेयर इट विद योर जूनियर्स एंड कलीग्स हु मे फाइंड दिस रियली हेल्पफुल। ओके, सो इसका जो नोट्स है ये अगर आप लोगों के पास ऑप्टिमाइज्ड बुक है, कॉन्सेप्ट बुक वाला है, अगर इन दैट केस तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा पेज 3.8 ओपन करेंगे एंड यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट एंड वी विल स्टार्ट। बट इन केस नहीं है देन इन दैट केस ये वाला जो पेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये देखो, ये टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस और ये जो परसेंटेज है ये सब आ सकता है ना अपने एमसीक्यू के लिए। फिर बाद में ये फॉर्मूला मैं अभी तुम लोगों को करवा दूंगा और फॉर्मूला के बेसिस पे ऑब्वियसली फिर सम तुम लोग सॉल्व कर लेना, और उसमें कोई डाउट हो देन यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली आस्क मी एज वेल। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस ओईई के सेशन को। स्टे कनेक्टेड, विल स्टार्ट द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे एंड दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स। जैसा आपका परफॉर्मेंस चेक करता है आईसीएआई मार्क्स देके, वैसे ही अपन मशीन्स को भी मार्क्स देंगे। यस, यू विल बी शॉक्ड टू नो, ये देखिए, और उसके लिए पासिंग परसेंटेज है जो बहुत हाई है आपका, कितना है, 40% 50%, ये देखो इनका 90, 95, 99%। जी हाँ, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ विद OEE, Overall Equipment Effectiveness. What does it do? Measure the performance of machines. ताकि हमको पता चले कि हमारा TPM हमने कितनी अच्छी तरह से implement किया है. So, we are doing OEE, Overall Equipment Effectiveness. ठीक है? ये OEE, Overall Equipment Effectiveness क्या करता है? It measures the performance of machines. Measures the performance of machines. अब कैसे measure करेंगे? Numerically. Measures the performance of machines numerically. हाँ? ठीक है, तो कैसे measure होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, you don't have to worry, but that is the whole basic concept of this. अब कैसे calculate होता है? So, OEE is a combination of basically three things. OEE is combination of three things. Availability, performance, quality. कैसे आप judge करोगे ये availability, performance और quality? मैं आपको देता हूं एक छोटा सा example. समझो आप गए एक photocopy के machine वाले के पास. Photocopy का machine? नहीं पता. Xerox वाले के पास? Xerox तो कराया होगा. ठीक है? आप गए Xerox वाले के पास और जब भी आप गए Xerox वाले के पास, 10 में से 8 बार वो अवेलेबल था. दो बार वो बोला सर मशीन थोड़ा खराब है, मशीन को ठीक कर रहे हैं, मशीन चल नहीं रहा है, वैसा. तो क्या अवेलेबिलिटी आया आपके वो जेरोक्स वाले के मशीन का? आप बोलोगे सर 10 में से 8 ही बार अवेलेबल था. मतलब परसेंटेज टर्म्स में मैं बोलूं तो कैन आई से 80% वो अवेलेबल था? यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि सुनो भैया जी, मैं ना एक घंटे में आ जाऊंगा, एक घंटे में आप ये मेरा प्लीज 100 प्रिंटआउट रेडी रखना. ठीक है, उसने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम संकल्प सर, आप आइए, एक घंटे में 100 प्रिंटआउट रेडी होगा. जब मैं उधर गया तो 100 प्रिंटआउट रेडी नहीं था, 96 प्रिंटआउट्स ही रेडी था. तो इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से 96% के स्पीड पे काम कर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है? 96%. एंड क्वालिटी जो उसने मुझे, फिर चार बाकी थे तो उसने बाद में चार में जब पहुंचा उसके बाद उसने चार भी और मेरे को प्रिंटआउट निकाल के दिए. टोटल उसने मुझे 100 प्रिंट्स दिए. उस 100 प्रिंट्स में से आप मानोगे नहीं, 5 प्रिंट खराब निकले, 95 प्रिंट्स ही अच्छे लगे. तो मुझे पता चल गया कि क्वालिटी कैसा है इसका. 100 में से 95 प्रिंट अच्छा निकला, 95% का क्वालिटी है. इन इफेक्ट मुझे पता चल गया क्या कि कितना परसेंटेज अच्छा है इसका ये फोटोकॉपी का मशीन. तो इट इज 80 × 96%. हेलो, इट इज 80 × 96 80 × 96% × 95% एंड दैट इज इक्वल टू 72.9% which is 73%. क्या आपको ये बात समझ में आई एवरीबॉडी? जी हाँ सर, समझ में आ गई. 73% ही मिला इसको, जबकि परफॉर्म, अभी आप बोलोगे सीए के लिए 73% तो बहुत अच्छा है, बट वर्ल्ड स्टैंडर्ड बोलता है इतना, 90 × 95 × 99 90 × 95% × 99%.
वर्ल्ड स्टैंडर्ड बोलता है अप्रोक्सीमेटली 85 आना चाहिए। कोई बात नहीं, अब हम हमारे मशीन के ऊपर टीपीएम इंप्लीमेंट करके उसको और इंप्रूव करेंगे। समझे कैसे यूज होता है ये ओईई? आओ अब देखते हैं इसको। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इज अ मेट्रिक। मेट्रिक मतलब मैथमेटिकली कोई चीज को आप करते हो तो उसको बोलते हैं मेट्रिक। दैट आइडेंटिफाइज द परसेंटेज ऑफ प्लांट प्रोडक्शन दैट इज ट्रूली प्रोडक्टिव। ना कि मैं जितना काम किया उसमें से एक्चुअल अच्छा आउटपुट कितना आया, ट्रूली प्रोडक्टिव आउटपुट कितना आया, ओई से पता चलेगा। इट वॉज डेवलप टू सपोर्ट टीपीएम इनिशिएटिव, एक्यूरेटली ट्रैक प्रोसेस टुवर्ड्स अचीविंग परफेक्ट प्रोडक्शन। साला अभी तो अपन लोग तो बहुत दूर है, अपना तो सिस्टम 73% ही अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, अपने को तो 100% चाहिए। ठीक है, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है आओ देखते हैं। ओ इज अ मैट्रिक्स दैट आइडेंटिफाइज परसेंटेज ऑफ प्लांट प्रोडक्शन दैट इज प्रोडक्टिव। ठीक है, फोकस इज ऑन परफेक्ट प्रोडक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच इज नोन हियर एज OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको? पहला, इक्विपमेंट फेलियर या ब्रेकडाउन कितनी बार हो रहा है, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस कितनी बार हो रहा है, सो इक्विपमेंट फेलियर या ब्रेकडाउन। एंड दूसरा है सेटअप एडजस्टमेंट, कितनी बार आपको करना पड़ रहा है। अगर ये दोनों ज्यादा करना पड़ रहा है तो अवेलेबिलिटी का इश्यू है, बता रहा हूं मैं। कितनी बार आपका स्टॉप होता है या धीरे धीरे स्पीड बराबर नहीं आता है, परफॉर्मेंस का इशू है। कितनी बार आउटपुट जितना चाहिए नहीं आता है या डिफेक्टिव आउटपुट आता है, उतनी बार क्वालिटी का इशू है। द फर्स्ट टू लॉसेस रिफर टू दोज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी इन इक्विपमेंट फेलियर एंड सेटअप एडजस्टमेंट। थर्ड एंड फोर्थ लॉसेस फोकस ऑन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड इक्विपमेंट स्टॉपेजेस एंड रिड्यूस स्पीड। एंड द लास्ट टू लॉसेस आर रिगार्डेड एज द क्वालिटी लॉसेस, आर रिगार्डेड एज द क्वालिटी लॉसेस। क्या आपको समझ में आई बात है एवरीबॉडी? बस तो यही तो मेरा सिस्टम है ओई का। देखो अवेलेबिलिटी कितनी बार छूट रहा है इक्विपमेंट फेलियर ब्रेकडाउन सेटअप की वजह से, बराबर। देखो ये नेक्स्ट पूरा मैंने डायग्राम ही वैसा ही बनाया तुम लोगों के लिए। देखो ये आप लोगों के लिए स्पेशली बना, अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस क्वालिटी। कब क्या अवेलेबिलिटी प्रॉपर कब होगा? जब देर विल बी नो स्टॉप्स। अवेलेबिलिटी लॉस कब होगा? जब एनीथिंग दैट स्टॉप्स प्लांट प्रोडक्शन लाइक इक्विपमेंट फेलियर सेटअप एडजस्टमेंट। परफॉर्मेंस कब देखूंगा? जब नो स्मॉल स्टॉप इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट कॉज प्रोडक्शन टू ऑपरेट एट लो स्पीड When running, idling and minor stoppage, reduce speed. And last है quality, कब आएगा? जब कोई भी defect ना हो। Factors out manufactured pieces that do not meet quality standards, reduced yield and quality defects and rework जब नहीं होगा ना, तब समझ जाने का all is well, right? So that is about your OE. But जब तक अपन लोग ये OE का percentage खुद calculate नहीं करेंगे, तब तक obviously we will not be satisfied. तो आ जाओ अब OE के लिए ICAI ने कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं। लेट्स इंप्लीमेंट दोज ICAI फॉर्मूलाज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ नए फॉर्मूला बनाए। पहले की उनकी एक बुक थी उसमें दूसरे फॉर्मूलाज थे, फिर उन्होंने फॉर्मूला को चेंज किया एंड दैट इज नाउ वी विल बी स्टडिंग द न्यू OEE फॉर्मूलाज। बट ये फॉर्मूलाज को लर्न करवाना अपना तरीका है ही नहीं। अगर आप मेरे को जानते हो तो आपको पता होगा कि अपन फॉर्मूला को लर्न नहीं करते, अपन फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो बरकरदार कैसे डिराइव करोगे ये फॉर्मूलाज ऑफ OEE, उसके लिए बनाया है मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल। तो आओ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल टू टेक फॉरवर्ड आर ओईई कॉन्सेप्ट। सो मैंने एग्जाम्पल लिया है अपनी स्टडीज से रिलेटेड। अब दिन में 24 घंटे हैं, ऑब्वियसली 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, 6-7 घंटे तो नींद में निकल जाते हैं, बाकी 1-2 घंटे इधर उधर। इफेक्टिवली मैं नोट कर रहा हूं कि मेरे पास दिन में पढ़ने के लिए टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है, आप बताओ। टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं मेरे पास? आप बोलोगे सर पूरे 16 आवर्स, 6-7 घंटा सो जाओ, 1-2 घंटा नहाने का वॉशरूम का, 16 आवर्स है आपके पास, पूरा डन। क्या 16 आवर्स नॉन स्टॉप पढ़ाई होगा? नहीं सर, खाना वाना भी तो खाओगे सर, खाना खाओगे थोड़ा नाश्ता करोगे, बराबर है। यस, तो ये क्या ना, इससे इतना टाइम में काम नहीं कर पाऊंगा, मतलब दिन का 2 घंटा में काम नहीं कर पाऊंगा। यस सर, ये बात तो है कि आप दिन के 2 घंटे काम नहीं कर पाओगे, ये तो सर होने ही वाले। मतलब आप या तो कभी स्नैक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ी सी देर आपका इधर उधर होना, बट ऑब्वियस है। तो 2 आवर्स मैंने ऐसा निकाल दिया जो मेरा लंच ब्रेक होगा और ये सब ब्रेक होगा, तो इसको मैं कहता हूं प्लान्ड डाउन टाइम। ठीक है ना, ऐसा टाइम जहां पे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा मुझे पहले से पता है, जिसमें मैं लंच करूंगा, स्नैक्स करूंगा, ऐसी चीजें करूंगा जो मुझे पहले से पता है मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें काम। अब जो मेरे पास टाइम बच गया, कहना इसे उतना मेरे को काम करना चाहिए, इसको बोला जाएगा प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, सॉरी प्लान्ड अपने एग्जाम्पल में स्टडी टाइम, इसको बोलेंगे प्लान्ड स्टडी टाइम। एंड दैट इज 14 आवर्स, एंड दैट इज 14 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। समझ में आया इतना आपको?
ऐसा ही कुछ होता है कंपनी में। कंपनी में भी जो लेबरर्स होते हैं उनके पास 16 घंटे अवेलेबल होते हैं। ऐसा सोचो आप लोग जॉब करने को जा रहे हो, सुबह 9 बजे से 6 बजे का जॉब का टाइम है, क्या पूरा दिन 9 घंटा काम करोगे क्या? नहीं सर, 1-2 घंटा तो इधर उधर आप लोग का वॉशरूम ब्रेक और ये सब ब्रेक में निकल ही जाएगा, प्लैंड डाउन टाइम। तो इज्जत से काम कितना करना चाहिए, इज्जत से पढ़ाई कितना करना चाहिए, 14 आवर्स पर जरूरी है क्या मैं ये 14 आवर्स करूंगा ही करूंगा? नहीं सर, एग्जैक्टली। तो वो जो मेरा टाइम निकल गया उसको मैं बोलूंगा, से फॉर एग्जाम्पल 1.5 आवर्स मेरे को पढ़ाई करना चाहिए था ये 14 आवर्स, बट मैं पढ़ पाया ओनली 12.5 आवर्स। सर ये 1.5 आवर्स कहाँ गया? सर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर हमारे भी 100 कमिटमेंट होते हैं, ठीक है भाई, महान है, आप क्या बोल सकते हैं। सो आप तो इफेक्टिवली 12.5 आवर्स ही पढ़ पाए। वैसे ही कंपनी में भी कुछ चीजें होती है जो अनप्लैंड होती है, जो पता नहीं होता है, जिसको अपन बोलेंगे अनप्लैंड डाउन टाइम, जिसको अपन बोलेंगे अनप्लैंड डाउन टाइम, राइट। सो इफेक्टिवली मुझे कहना इसे 14 आवर्स पढ़ना चाहिए था, बट मैं 14 में से 1.5 टाइम पास किया, तो अब मैं इफेक्टिवली 12.5 आवर्स ही पढ़ पाया आउट ऑफ 14 आवर्स। मतलब कितने घंटे पढ़ पाया मैं? सो 12.5 आउट ऑफ 14 आवर्स मैं पढ़ पाया खाली 89.3% एफिशिएंसी के साथ। पूरा 14 घंटा पढ़ा होता तो मैं बोलता 100% एफिशिएंसी, बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अब सुनो, इसी से डिराइव करना है अपने को अपना फॉर्मूला, कितना आवर्स मैं काम करने वाला हूं 14 आवर्स। व्हाट डज 14 आवर्स रिप्रेजेंट? कैन आई से दिस इज प्लैंड स्टडी टाइम? फॉर मी आई विल डिनोट इट एज प्लैंड प्रोडक्शन टाइम, प्लैंड प्रोडक्टिव टाइम। क्या नाम दूंगा मैं इसको? प्लैंड प्रोडक्टिव टाइम, PPT। समझ में आ रही है बातें? यस सर, अच्छी तरह से समझ में आ रही है। इस प्लैंड प्रोडक्टिव टाइम में से, इस प्लैंड प्रोडक्टिव टाइम में से मैंने कितनी देर काम किया सर? तो आपका जो प्लैंड प्रोडक्टिव टाइम था उसमें से अनप्लैंड डाउन टाइम हटा दो सर, इसको बोलते हैं अपन लोग ऑपरेटिंग टाइम, इसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग टाइम, पीपीटी माइनस यूपीडीटी। सो ऑपरेटिंग टाइम मेरा कितना था? 12.5 आवर्स। उसमें से मैं कितना पढ़ा, प्लैंड प्रोडक्टिव टाइम कितना था? 14 आवर्स। उसमें से मैं कितना किया? 12.5 आवर्स। बस मिल गया। इसी के साथ आप लोगों को आपका पहला फॉर्मूला विच इज अवेलेबिलिटी रेशियो, समझ में आया क्या तुम लोगों को? बोलो बोलो टहल टहल। देखो कभी कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, पॉसिबल है, देखो मेरे को एक अलग स्पीड पे चीजों को करवाना है, आप लोग के पास टाइम नहीं है, आप लोग बोल रहे हो फटाफट सर ये सब्जेक्ट पे ज्यादा हमको टाइम नहीं देना है, नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना बेझिझक। हो सकता है मैं आपको रिप्लाई ना करूं, मिस हो जाए मेरे से, रिमाइंड दे देना 1, 2, 10, 20 जितने देना है, मैं गुस्सा नहीं होगा, मेरा ईगो हट नहीं होगा, आपका भी ईगो हट मत होने देना, बोल देना मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं देखूंगा, क्योंकि इतने लेक्चर्स में बिजी होता है तो मिस हो सकता है आपका लेक्चर सेशन मैसेज, बट आपको वापस से बोल देना है, बट कोई डाउट मत रखना, कोई भी चीज का डाउट हो या कुछ भी हो, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। अवेलेबिलिटी रेशियो क्या बोला कि बॉस मेरे पास जितना प्लैंड प्रोडक्शन टाइम है उसमें से बॉस मैं कितनी देर एक्चुअली काम किया, प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस अनप्लान्ड डाउन टाइम, जिसको प्यार से कहते हैं ऑपरेटिंग टाइम, समझ गए? यस सर। तो एपीक्यू का ए हो गया, अब आ जाओ पी के ऊपर। पी तो बहुत ही सिंपल है, पी बोलता है कि भाई देखो परफॉर्मेंस बोलता है कि एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आपने उसमें कितना एक्चुअल प्रोडक्शन किया, सिंपल। ये डिवाइड बाय इसमें से आप लोग ने पूरे दिन में कितनी देर काम किया है, विच इज योर ऑपरेटिंग टाइम। ये वाला जो परफॉर्मेंस है ना, ये जब सम करेंगे तब समझ जाएगा, एकदम सिंपल है। एंड लास्ट है मेरा क्यू, जो बोलता है क्वालिटी कितना आया, मतलब मैंने अगर 100 यूनिट बनाया उसमें से 5 खराब निकला तो कहना इसे 100 में से 95 अच्छा निकला, मतलब 95% का मेरा क्वालिटी है। सो क्या आ जाएगा मेरा क्वालिटी रेशियो? टोटल माइनस बैड, इसको बोल सकते हैं गुड यूनिट्स अपॉन टोटल यूनिट्स, गुड यूनिट्स अपॉन टोटल यूनिट्स इज माय क्वालिटी रेशियो। हे समझ गए एवरीबॉडी? ये रहे मेरे 3 फॉर्मूलाज जो अब आपको आपके बुक में भी दिखेंगे, अवेलेबिलिटी रेशियो, प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस टोटल टाइम लॉस पर शिफ्ट विच इज योर अनप्लान्ड डाउन टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम। इसको 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 ऑपरेटिंग टाइम भी बोलते हैं, याद रखना, जिसको मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूं, प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस अनप्लान्ड डाउन टाइम को ऑपरेटिंग टाइम भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस रेशियो, स्टैंडर्ड टाइम
पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन ऑपरेटिंग टाइम, ये जब सम करेंगे तब समझ जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्वालिटी रेशियो। क्वालिटी रेशियो बोलता है भाई कितना प्रोडक्शन किया उसमें से खराब कितना गया, इन शॉर्ट गुड अपॉन टोटल इज माय क्वालिटी रेशियो। अच्छा प्लांट प्रोडक्शन डाउन टाइम क्या होता है ये तो अपने को पता ही है, प्लांट प्रोडक्शन टाइम क्या होता है, डाउन टाइम, प्लांड डाउन टाइम क्या होता है, लंच ब्रेक, मिसलेनियस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब प्लांड है, पता है। अनप्लांड क्या है, बाबू शाना से झगड़ा नहीं, ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, सेटअप, पावर फेलियर, ऐसा कुछ हो गया जो अपने को पता ही नहीं होने वाला है पर हो गया, गया ना अपना तो टाइम। ऑपरेटिंग टाइम पीपीटी माइनस यूपीडीटी। ओके देन, सो आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। अब सम ट्राई करो और कहीं पे डाउट हो या कुछ अटक रहे हो तो लेट मी नो। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस। एज आई टोल्ड यू, डू लाइक द सेशन इफ यू हैव लाइक द वीडियोस, और आप लोगों के कुछ रिकमेंडेशन हो एएफएम या एससीपीएम से रिलेटेड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली हेल्प यू। हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।